हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड में आई हूँ, जो मैरियट के चेन ऑफ होटल्स में से एक है। यहाँ मुझे दैनिक जागरण की तरफ से हिंदी दिवस के अवसर पर इनवाइट किया गया है और आज के चीफ गेस्ट श्री गंगा प्रसाद जी हैं, जो सिक्किम के गवर्नर हैं। वे हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी शिक्षकों को सम्मानित करने आए हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ हम लोग जूस, कॉफ़ी ये सब ले सकते हैं और बच्चे जो डांस परफॉर्म करेंगे वो भी आ गए हैं। यहाँ सारे टीचर्स के लिए जूस वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है, कॉफ़ी चाय ये सब आप ले सकते हैं। और ये अंदर का एंट्रेंस है, होटल बहुत ही सुंदर है, 5-स्टार होटल्स में से एक है। जो बच्चे परफॉर्म करेंगे वो सब यहाँ पीछे बैठे हुए हैं और आगे इस साइड में टीचर्स वगैरह बैठे हुए हैं। अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सुख दुख में और उनके हर कदम से कदम मिलाकर चलने का एक प्रयास करता है, एक वातावरण तैयार करने में अपनी भूमिका को समझता है और उस भूमिका का निर्वहन करने की पूरी जिम्मेदारी से कोशिश भी करता रहा है। सिलीगुड़ी में भी कई आयोजनों के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होती रहती है दैनिक जागरण परिवार की। सालों से सिलीगुड़ी की धरती से प्रकाशित हो रहा है, एक अखबार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन शायद मैं सही हूं तो ऐसा पहला आयोजन है पूरे देश के लिए कि कोई अखबार हिंदी के शिक्षकों को अपना सितारा मानता हो, स्टार मानता हो और उनके लिए इस तरह का भव्य आयोजन कभी किसी ने किया हो, मेरे जीवन में नहीं। ये पहला आयोजन है कि जब अखबार एक ऐसे आयोजन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित है, जहां हम इस कोर्टयार्ड बाय मैरियट के सभागार में उपस्थित हैं इस पुनीत काम के लिए, तो ये निश्चित तौर पर हमें भी हौसला देता है, बल देता है एक अखबार के तौर पर भी और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी। तो जागरण परिवार का ये भरोसा रहा है साथ चलने में और इसीलिए हम यहाँ के सिलीगुड़ी के ही नहीं पूरे देश में लगभग 25 वर्षों से नंबर एक अखबार हैं पाठकों की संख्या के मामले में। कोरोना से पहले जो IRS का सर्वे आया था उसमें करीब 6.8 करोड़ पाठकों का साथ दैनिक जागरण को मिला है। आग्रह करेंगे आप सबसे कि हम सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हो जाएं और सहयोगियों से आग्रह करेंगे कि हम सब मिलकर राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं हमारे दैनिक जागरण के महाप्रबंधक जय हल्दर जी से आग्रह करूंगा कि हम महामहिम का पूरे जागरण परिवार की ओर से और अपने सभी सहयोगियों की ओर से आज के इस आयोजन में स्वागत एवं सम्मान करें। शैक्षणिक पुस्तक जो दिल्ली है उस संस्थान से योगिता भाटिया जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः आप करकल ध्वनियों से उनका सिलीगुड़ी में सम्मान करें और मैं हमारे स्थानीय संपादक गोपाल ओझा जी से आग्रह करूंगा कि आप फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। उनके लिए सम्मान का कोई बड़ा मंच उपस्थित नहीं था ऐसा जागरण को प्रतीत हुआ और दैनिक जागरण इस पूरे देश में पहला ऐसा अखबार है जो इस तरह के सम्मान समारोह के साथ आपके सम्मुख उपस्थित है। तो हमने महसूस किया कि उसके लिए एक मंच होना चाहिए और हम अपने सहयोगियों के प्रति आभारी हैं। पुराना जी, मनीष अग्रवाल जी, शाली चौधरी जी, तमाम लोगों को लेकर चित्रों पर पुष्पांजलि के बाद दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सिक्किम के गवर्नर महामहिम गंगा प्रसाद जी के हाथों से दीप प्रज्वलित करवाया जा रहा है, उसके बाद एक एक करके शिक्षकों को उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि इतने बड़े लोगों को बुलाकर हिंदी टीचर को सम्मानित करवाया जा रहा है। और हम ये मानते हैं कि महामहिम और अतिथियों के
उपस्थिति से ये मंच भी गौरवान्वित हुआ है और यहाँ पर सम्मान पाकर आप सबको बेहद प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मैं संपादक जी से भी आग्रह करूंगा और महाप्रबंधक जी की आपके मंच पर स्थान ग्रहण करें। आइए और अगली लाइन है कि सौंदर्य भी तड़पता रहता, सौंदर्य भी तड़पता रहता प्रशंसा मुक्त बोलो को, सौंदर्य भी तड़पता रहता प्रशंसा मुक्त बोलो को, मनमोहक मनोहर सुंदर कहकर तीव्र नैनों को कटार कौन मानता। मनमोहक मनोहर सुंदर कहकर तीव्र नैनों को कटार कौन मानता। और नीरस होता श्रृंगार धरा का, नीरस होता श्रृंगार धरा का प्रकृति की अनुपम छटा कौन जानता, प्रकृति की अनुपम छटा कौन जानता। और शीश कटा मात भूमि पर हुए जो निछावर, शीश कटा मात भूमि पर हुए जो निछावर, वीरस गाथा में उन्हें कौन तानता, वीरस गाथा में उन्हें कौन तानता। और अगली पंक्तियां है कि न होता कोई रस काव्य में तो, न होता जब कोई रस काव्य में ना समझ पाते व्यथा ग्रह, ना समझ पाते व्यथा ग्रह की और एहसास भटकते फिरते निशब्द शून्य में, एहसास भटकते फिरते निशब्द शून्य में, कालदेही रचनाओं में शब्द कौन डालता, कालदेही रचनाओं में शब्द कौन डालता। और जब जब होती भस्म मानवता, जब जब होती भस्म मानवता मजहबी अग्नि में, जब जब होती ध्वस्त मानवता मजहबी अग्नि में, भुला द्वेष को सुनाए जो प्रेम गीत, भुला द्वेष को सुनाए जो प्रेम गीत, ऐसे गीतों में प्रेम कौन डालता, ऐसे गीतों में प्रेम कौन डालता। और अंतिम पंक्ति की ओर जाना चाहता हूँ कि कोई भी रंग हो जीवन के इस रंग मंच पर, कोई भी रंग हो जीवन के इस रंग मंच पर, चाहे हो जीवन के उदासीन पल, कोई भी रंग हो जीवन के इस रंग मंच पर, चाहे हो जीवन के उदासीन पल। और वक्त की रफ्तार सी फिसलती जिंदगी, वक्त की रफ्तार सी फिसलती जिंदगी, और भरते जो उसमें रंग, भरते जो उसमें रंग, वो कलम कौन थामता, वो कलम कौन थामता, वो कलम कौन थामता। थैंक यू। जय हिंद। आज हिंदी उत्सव जो मनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है, दैनिक जागरण द्वारा आयोजित इस गंगा में समारोह में उपस्थित दैनिक जागरण के महाप्रबंधक उत्तर बंगाल एवं सिक्किम के श्री जय हल्दर जी, दैनिक जागरण संपादकीय प्रभारी श्री गोपाल ओझा जी, विद्या भारती फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती कमलेश अग्रवाल जी, विद्या भारती फाउंडेशन के सचिव श्री शरद अग्रवाल जी, मधुवन एडुकेशनल बुक की श्रीमती योग्यता भटिया जी, उत्तर बिहार और सिक्किम से पधारे हुए सभी सम्मानित गण और यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सभी को हमारा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दैनिक जागरण यह देश का सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया समूह है और पिछले 80 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय अखंडता की ज्योत जलाए हुए कर रहे हैं। अपने सामाजिक कार्यों जैसे स्कूली बच्चों के लिए संस्कार शाला, हमारे देश के रक्षक जवानों के लिए भारत रक्षा पर्व, नारी शक्ति के लिए नारी शक्ति सम्मान, सर्व समाज के हित के लिए जागरूकता अभियान। अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है, अब सभी डिनर करेंगे। हॉल के अपोजिट साइड में ही डिनर की व्यवस्था की गई है, जो पूरे ओपन में किया गया है। खाने में पाव भाजी, ब्राउनी, ये सब जो कॉमन आइटम है वो सब तो है ही, अलग से लिट्टी चोखा वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। हिंदी टीचर्स हैं इसलिए लिट्टी चोखा को ऐड किया गया।
कोर्टयार्ड का खाना अच्छा होता ही है, यहाँ पर हम लोगों को पूरा बफेट में खिलाया जा रहा है, सारा आइटम आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। मैं वैसे भी यहाँ का एक ब्लॉग बनाने का सोच रही थी, लेकिन तब तक हिंदी दिवस के लिए मुझे इनवाइट कर दिया गया, तो मेरा ब्लॉग भी हो गया और हिंदी दिवस का भी काम हो गया। होटल का खाना और डेकोरेशन दोनों ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है, फिर से मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ किसी न्यू डेस्टिनेशन पर।